एशिया में इस वक्त टेस्ट क्रिकेट का सीजन चल रहा है। 24 अक्टूबर का दिन गजब का रहा, क्योंकि इस दौरान एक नहीं बल्कि तीन मैच चल रहे थे, जिसमें से दो तो शुरू ही हुए थे। बांग्लादेश में अफ्रीका बांग्लादेश, रावलपिंडी में पाकिस्तान इंग्लैंड और पुणे में भारत और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा था। दिन की शुरुआत साउथ अफ्रीका की जीत के साथ हुई, क्योंकि बांग्लादेश कोई चैलेंज नहीं दे पाया। अब इसका नतीजा हुआ ये है कि साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की रेस में आगे आ गया है, और अगर उसकी किस्मत साथ रही तो वो शायद वो फाइनल में भी पहुंच सकता है। लेकिन आप मुद्दे पर आइए, भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा मैच पुणे में शुरू हुआ। बेंगलुरु में बेइज्जत होकर आई टीम इंडिया के पास मौका था कि कम से कम यहाँ तो कुछ कमाल कर ले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि किस्मत ने साथ नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग कर ली और टीम इंडिया फिर से स्ट्रगल करती नजर आई, क्योंकि तेज गेंदबाजों को मदद मिली नहीं और फिर स्पिनर आए तो अश्विन के अलावा कोई कमाल नहीं दिखा पाया। इस दौरान रोहित शर्मा की कप्तानी भी पूरी तरह से डिफेंसिव नजर आई। ऐसा लग रहा था कि शुरुआत में ही उन्होंने कंधे झुका दिए हैं और पूरी तरह से आक्रामकता छोड़ दी है। मैच से पहले ये खबर आई थी कि टीम इंडिया ने पुणे के पिच को स्पिन फ्रेंडली बनाया है ताकि न्यूजीलैंड को फंसाया जा सके, लेकिन पहले दिन के शुरुआती एक दो सेशन देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ऐसा हो रहा था। साथ ही दूसरे और तीसरे दिन ज्यादा स्पिन होगी तो फिर टीम इंडिया को सबसे आखिर में बल्लेबाजी करनी है, तो ऐसे में लग रहा है कि पुणे के पिच आपकी ही मुश्किल बढ़ा सकती है। अब तीसरे मैच पर आइए, वहां का जिक्र कर लेते हैं, यानी पाकिस्तान और इंग्लैंड का मैच। पाकिस्तान ने भी भारत की तरह इंग्लैंड को इस मैच में रावलपिंडी में स्पिन फ्रेंडली पिच दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ भारत की तरह डिफेंसिव क्रिकेट नहीं खेला बल्कि फुल अग्रेसिव मोड अपना लिया। पाकिस्तान की आक्रामकता आप इस लिहाज से देखिए कि उन्होंने पूरा पहला सेशन सिर्फ स्पिनर से ही डलवा दिया, यानी शायद ही आपने कभी सुना हो कि टेस्ट मैच का पहला दिन और पहला सेशन दोनों ही स्पिनर निकाल दे। पाकिस्तान ने शुरुआत के 35 ओवर स्पिनर से ही डलवा दिए और इसका फायदा मिला क्योंकि इंग्लैंड 130 से पहले ही 6 विकेट गंवा चुका था। पाकिस्तान का कमाल ये भी रहा कि उसने इंग्लैंड के 100 रन से पहले ही 5 विकेट गिरा दिए थे। जब से इंग्लैंड का बेसबॉल युग आया है तब से लेकर अब तक ये पहली बार हुआ है कि इंग्लैंड ने टेस्ट में 100 रन से पहले अपने 5 विकेट गंवा दिए हो, यानी घरेलू हालात और पिच का असली फायदा सिर्फ पाकिस्तान ने ही उठाया है। और अगर यहाँ ये कह दिया जाए कि काश टीम इंडिया पाकिस्तान से थोड़ा सीख लेती तो इस वक्त के हिसाब से बिल्कुल गलत नहीं होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।